चुनावी साल में भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अंबिकापुर के संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के बजट को लेकर जमकर हमला किया। व्यवसायी प्रकोष्ठ के सह संयोजक अभिषेक शर्मा ने इस बजट को जनता को छलने वाला बजट बताया और कहा कि अंबिकापुर में मानसिक अस्पताल देकर सरगुजा को पूर्णता छूता किया है। भाजपा इसे जनता तक लेकर जाएगी और इनके कारनामों को उजागर करेगी। ये बजट कांग्रेस का आखिरी बजट होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया था अभी और भूपेश सरकार ने जिस तरीके से सारे विभाग को छलने का प्रयास किया बजट में, बिल्कुल निराधार बजट, बिल्कुल दिशाहीन बजट, तर्क तथ्यहीन बजट और केवल छल दिखाकर पुनः सरकार बनाने की मंशा प्रकट करने वाला बजट था। सरगुजा को तो इन्होंने पूर्णतः बजट में अछूता कर दिया। एक मानसिक हॉस्पिटल अस्पताल की घोषणा करके यह बता दिया कि सरगुजा से अगर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करे और इनकी आपसी प्रतिद्वंदिता में वो केवल एक मानसिक रोगी ही हो सकता है। विकास के रास्ते पर कोई भी सरकार आगे जिले को ले जा नहीं सकती है। कोई भी चाहे इनका विधायक या मंत्री हो, अगर कोई प्रयास करे तो वो दरकिनार हो जाएगा।